नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आरती। बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम ने यूपीएससी में टॉप किया है। शुभम ने न सिर्फ जिला बल्कि राज्य का भी नाम रोशन किया है। शुभम के घर में उनके परिवार के लोगों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। माँ और बाप बेटे की इस कामयाबी पे फूले नहीं समा रहे हैं। पिता का कहना है कि शुभम ने जब फोन पर ये बातें बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, दोबारा कहने को कहा तो जब सुना तो आंखों से आंसू आ गए। शुभम की इस कामयाबी से न सिर्फ उनके परिजन बल्कि उनके गांव में भी जश्न का माहौल है। घर के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। वहीं शुभम के पिता देवानंद तिवारी सिंह उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं, जबकि माँ हाउसवाइफ हैं। उनकी एक बहन पहले ही इंदौर में उच्च पद पे है और साल 2019 में भी यूपीएससी में 290 रैंक लाने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक के तकनीकी डिग्री वाले शुभम फिलहाल इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस पुणे में पदस्थापित हैं। उनके पिता का कहना है कि जो हम नहीं कर पाए वो शुभम ने कर दिखाया। आपको दिखा रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग ले लेंगे, अभी कहीं जा नहीं रहे हम। अरे भाई, क्या बात करते हो। शरीर स्थिर है लेकिन मन उछल। ये हमारे लाइफ का सबसे खुशी का क्षण है और शुरू से बहुत प्यारा रहा है घर का, और कभी बाहर रह कर कभी कभी नहीं लगा कि वो हम लोगों से दूर है। और यही खासियत उसकी है कि सबसे दिन घर से बाहर भी रहा और हम लोगों से जुड़ा भी रहा और अभी तक जुड़ा हुआ है। और जो हम लोग चाहते गए बचपन से, छोटे क्लास से लेकर करके हायर रैंक तक, वो हमारी इच्छा को पूरा करता गया। कभी सेकंड नहीं देखा कि सेकंड क्लास क्या होता है, वो कभी देखा नहीं। अब क्या उम्मीद करते हैं भतीजे? और हम उम्मीद करते हैं कि अब देश के लिए कुछ करने का क्षण है। जो हम लोग सोचे, मेरा भी सपना था, हम भी इसके लिए प्रयास किए थे जो सफल नहीं हुए थे, तो मेरा मानना है कि अब उसको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और जहाँ कमी है प्रशासनिक सेवा में उस चीज़ को दूर करने का वो प्रयास करें अपने स्तर से भी, और एक नए ट्रेंड का शुरुआत हो उससे। इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यूपीएससी में टॉप होना भारत के लिए सबसे गौरव की बात होती है, और वो भी ग्रामीण परिवेश में रह करके इस बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की है। हम लोग पूरा ग्रामवासी है ना, इनके इस उपलब्धि से गदगद हैं और चाहते हैं कि और बच्चे भी हमारे यहाँ से इस तरह की उपलब्धि हासिल करें, ये हम लोग इच्छा रखते हैं। वो मेरे जीवन का सबसे सबसे खुशी का पल है। इससे अधिक खुशी का की बात कोई हो नहीं सकती है। सारा जीवन हमने उसके लिए सैक्रिफाइस किया, बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया, और एक सपना देखा था कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण पिताजी अर्ली एज में गुजर गए, जिसमें 10th में पढ़ता था, तो जहां जाने के लिए हमने संकल्प किया था उस ऊंचाई पर नहीं जा सका। लेकिन उसी दिन हमने संकल्प किया कि मैं अपने बच्चे को जरूर एक ना एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां पे मैं जाना चाहता था, जहां पे सारी दुनिया, सारा देश जहां जाना चाहता है। कि हम सभी का सपना होता है कि हम बहुत सबसे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वहाँ पे पहुँचे, तो ये निश्चित रूप से मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, क्योंकि वो छोटा ही था जब उसे हम लोग पूछते थे कि बेटा क्या करोगे, जब वो मतलब बहुत छोटा था, 3 साल का था, बोलने के लिए मतलब थोड़ा सा तुतला के बोलता था, तो वो बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और पापा का भी सपना था और चाचा का भी सपना था और दादी की भी सपना थी।
कि मेरा पोता एक बड़ा अफसर बने। मैं यही सीख दूंगी कि तुम जैसे बने हो और गांव के भी जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं उनको शुभम के जैसा ही उसको